कोरोना काल में लोगों ने सेहत और स्वाद पर खास ध्यान दिया है, ऐसा करके वो कोरोना जैसी दूसरी महामारियों से बचने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में लोगों को परंपरागत खाने के प्रति जागरूक करना और जरूरी हो गया है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने खास संगम लगाया है। जवाहर कला केंद्र में स्वास्थ्य और स्वाद से भरपूर अनूठे संगम का शुक्रवार को आगाज हुआ। 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और आहार मेले का उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने किया। इस दौरान जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव प्रमोद कुमार पाठक, एनआईए के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। सेलिब्रिटी शेफ पंकज भदौरिया ने आयुर्वेद के तरीकों को समझाया और कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी वहां पर हुई। साथ ही एनआईए के विद्यार्थियों द्वारा तैयार आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों को जनता के लिए टेबल पर सजाया गया। मेले में पहले दिन खाने के काउंटर पर मौजूद स्टूडेंट्स ने लोगों को आयुर्वेदिक खाने का महत्व और उसे बनाने के तरीके समझाए। बताया गया कि इस खाने में सभी के सेहत को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर स्टोर लगाई है। स्टोर लगाने के माध्यम से यहाँ पर जैसा भी मंत्री महोदय ने कहा है कि एजुकेशन सेक्टर को इससे जोड़ना चाहिए। मैंने मेरी अभी स्पीच में कहा कि जब तक नई पीढ़ी को हम ये चीज़ें नहीं बताएंगे, वो आज तक भूल चुके हैं कि हमारा पारंपरिक खाद्यान्न जैसे जलवायु के आधार पे है, सीजन के आधार पे है, क्या हमें खाना चाहिए क्या हमें नहीं खाना चाहिए। आज जिस प्रकार से फास्ट फूड में जिस तरह से आज युवा पीढ़ी जा रही, उस युवा पीढ़ी को पाठ्यक्रम के आधार पर जोड़कर और हमारा जो पारंपरिक खाद्यान्न है उस पर लाने की आवश्यकता है। मतलब आप देखेंगे, मतलब 80% फीमेल्स में HB कम ही रहता है, तो उसके लिए जैसे उसको इन्हेंस करने के लिए हम लोगों ने ये तैयार किया है। और हाँ, स्टेट वाइज भी है, लाइक जैसे केरला का कुछ फेमस है, कर्नाटका का कुछ फेमस है, सारीवा पानक और राबे पुदीना, तो मतलब इस तरह से हमने बनाया हुआ है, तैयार किया है यहाँ पे। ये 2019 में जैसा कि मुझे बताया गया NIA के लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को फिर भारत सरकार को भेजा, उन्होंने इस प्रस्ताव को सराहा और उन्होंने एक मंजूरी दी और एक आयुष फूड फेस्टिवल प्लस एक्सपो, आयुष एक्सपो का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान के ही नहीं देश के विभिन्न कोने से लोग आए हैं। और इसमें ये है कि आहार क्या होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आपने देखा होगा कोरोना पीरियड 2 साल निकले हैं, उस दौरान लोगों ने महसूस किया कि आयुष की क्या इंपॉर्टेंस है, आहार की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा खाएंगे वैसा बोएंगे, ये मैं मानता हूँ। तो उस स्थिति में एक अच्छा आयोजन यहाँ हुआ है और इसमें लाइव जो अभी जो है स्टॉल्स भी लगाई गई हैं, सारे आहार के ऊपर एक किताब भी जो है एडिट करके दी गई है।